मुजफ्फरनगर में जावेद हबीब के सैलून में हुई घटना का वीडियो वायरल होने से आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग स्थित सैलून पहुंचकर जताया अपना विरोध और शाम तक नाम हटाने दुकान संचालक को दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीते दिनों जावेद हबीब के सैलून पार्लर में एक महिला के साथ बाल काटने के दौरान उसके सर पर थूके जाने के वीडियो वायरल होने का मामला अब दुर्ग में तूल पकड़ने लगा, जिसके चलते रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में दुर्ग स्टेशन स्थित हरीश कुमार के सैलून पार्लर में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और जावेद हबीब के लगे बोर्ड का विरोध किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बजरंगी कार्यकर्ताओं ने दुकान संचालक हरीश कुमार को पुलिस की मौजूदगी में बुलवाकर चेतावनी दी कि अपने सैलून से जावेद हबीब का नाम हटा ले। इस पूरी प्रक्रिया में दुकान की सुरक्षा के लिहाज से दुर्ग पुलिस बल ने स्टेशन रोड स्थित इस सैलून को अपनी सुरक्षा में रखा और प्रदर्शनकारियों के बीच शांतिपूर्वक तालमेल बैठाकर विवाद को शांत कराया गया, जिसके बाद बजरंग दल के पदाधिकारी युवा कार्यकर्ता दुकान संचालक द्वारा नाम के बोर्ड को शाम तक हटा दिए जाने की मांग स्वीकार की। इस संबंध में बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक रतन यादव ने न्यूज़ टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसे आपको जानकारी होगा, एक तारीख को नए साल के दिन में जावेद हबीब नाम का सैलून चलाने वाला एक व्यक्ति पार्लर के नाम से कुछ महिलाओं को बुलाता है और वो महिला पूजा गुप्ता हिंदू समाज से रिलेटेड है। वो जानबूझ के उस खटिया मानसिकता को उसके दर्शाता है कि ये जो है जावेद हबीब, ये मांग को स्पेशल ऐसा खोलता है महिला के, और जहाँ पर हम हिंदू समाज के लोग मांग में सिंदूर भरते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान होता है, उस पर वो थूकता है। सबसे पहले तो वो घटिया मानसिकता वाले को उसकी ऐसी की तैसी, ऐसे लोगों को जूता मारना चाहिए जहाँ मिले वहाँ। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार से हरकत करने का, ये बहुत निहायत और घटिया और नीच हरकत किया इसने। और हाल में आपने देखा होगा तबलीगी जमात के ऊपर भी लगातार हम प्रतिबंध का मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीच में कोरोना का माहौल फैला हुआ है और उसमें एक विषय आ रहा था बार बार कि कोई फल फ्रूट में थूक लगा रहा है, तो कोई खाने में, तो कोई तंदूर में। आखिर ये थूक जिहाद क्यों चला रहे हैं लोग? आखिर ये अगर करना चाहे तो अपन बहन बेटियों के साथ करे, ये हिंदू समाज बिल्कुल इसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हबीब जो जावेद हबीब का जहाँ पर भी सैलून होगा, वो सेलिब्रिटी बोलता अपने आप को, वहाँ पर हर जगह हिंदू समाज इसका विरोध करेगा। और कई जगहों पर हमको जानकारी लगा, छत्तीसगढ़ में भी है, तो आज हम दुर्ग के छत्तीसगढ़ में जब हमको मालूम चला यहाँ इसका सैलून चलता है, उसका विरोध किया, तो सैलून संचालक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मुझे 7 बजे तक का टाइम दीजिए, मैं यहाँ से हबीब तनवर का नाम हटवा दूंगा और यहाँ से ये पूरे बोर्ड हटा दूंगा। हमने स्पष्ट कर दिया है, अगर आपने 7 बजे के अंदर इस बोर्ड को नहीं हटाया तो बजरंग दल के कार्यकर्ता इस बोर्ड को हटवा देंगे। ये आज मैं आपको प्रेस के माध्यम से बोल रहा हूँ। अपना लेना था उसका, मेन अपन फ्रेंचाइजी लेने चक्कर में थे, हमारा एक पार्टनर वहाँ था जो मैं सोच रहा था कि चलो जावेद हबीब का ले लेंगे, तो क्या है ब्रांड रहता है तो थोड़ा सा कस्टमर रहते, लेकिन उसने थोड़ा मेरे साथ कुछ गड़बड़ी की, तो गड़बड़ी करने के कारण मैं क्या किया उससे सेट कर दिया। मैं अला तुम्हारा जो लेन देन, अगर जावेद हबीब का रहता तो वो भी जावेद हबीब का बनवाता हूँ, नहीं आप जो बोल रहे हैं कि उसका अपन यूज नहीं कर सकते, हम उसको लेने के चक्कर में ही थे कि जावेद हबीब का फ्रेंचाइजी, हमारा एक फ्रेंचाइजी जावेद हबीब का, कितने पुरानी बात है ये, तो अभी महीना डेढ़ महीने की बात, अभी तो खुला है, अभी तो पूरा काम भी क्लियर नहीं हुआ है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।